हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हो। आज अपने एक वन प्लस फ़ोन के बारे में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जो ये मॉडल इस तरह का उसका बॉक्स मैं आपको पहले दिखा था। देखो पहले फ़ोन की आप एक बार डिज़ाइन देख लो, मैं आपको फ़ोन की डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो इसकी किस तरह का फ़ोन है। ये यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, एयरफोन जैक का है, ये स्पीकर का है और ये फिंगरप्रिंट और ऑन ऑफ स्विच दोनों साथ में ही है। और यहाँ पे आपको एक वन प्लस की ब्रांड देखने को मिल रही है। यह जो कैमरा क्लैरिटी है, जो कैमरा के लिए अलग डिज़ाइन है, ये फ्लैश लाइट है और यहाँ पे आगे का कैमरा, ये स्पीकर है, फ़ोन पूरा ऑफन है। आपको मोड में कौन से मोड में उस समय आपको आगे बढ़ा के भी आपको दिखा लूँगा। और यहाँ पे देखो साइज़ से भी और फ़ोन लुक से और डिज़ाइन से भी फ़ोन ज़ोरदार है। जो कलर बहुत हट के आया है अभी से, कलर कितना एकदम अच्छा और खूबसूरत ये कलर है, वन प्लस का नोट C3 Lite 5G। ये वेरियंट है 8 256 GB, जो 22,000 रुपये का ये फ़ोन आता है। इसी में आपको 20,000 रुपये का भी मिलता है और वो आता है 8 128, ये 8 256 और 2000+ करोगे तो ये 256 GB एक्स्ट्रा, बाकी सारे फीचर्स हैं। अब अदरवाइज़ मैं आपको फ़ोन के बारे में आपको पूरा पूरा दिखा लेता हूँ। फ़ोन को अपना रख देता है साइड में। फिलहाल इसके ऊपर एक इस तरह की ये पॉलीथीन आती है जो फ़ोन के ऊपर होती है और उसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का कवर भी मिलता है, पिन आती है और कुछ गाइडलाइन आती है कंपनी की जो इसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं उसके बारे में आपको है। और उसके बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका चार्जर। सुपर वर्क 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, परंतु इसमें सपोर्ट 18 वोल्ट नहीं है, उसके अंदर सपोर्ट 67 वोल्ट ही है और कंपनी ने साथ में उसको 80 दिया क्योंकि समय के अनुसार 80 वोल्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ़ोन बिकने की बहुत बड़ी नौबतें आ जाएगी। इसके लिए कंपनी ने साथ साथ में 18 वोल्ट भी दे दिया क्योंकि अभी सारे सारे कंपनी ज़्यादातर 20-21 हज़ार में 67 है, 35 है, 33 है, ये तो अभी ज़माना भी जाएगा क्योंकि 44 आ गया। अभी वो ज़्यादातर 44 दे रहा है तो अभी उनको भी 18 देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको एक ये केबल देखने को मिल रही है। वन प्लस पहले से ही ये रेड केबल ही देता था और फिलहाल अभी भी वही दे रहा है, जो कम बजट हो ज़्यादा बजट हो तो भी ये रेड केबल ही साथ में उसके आती है। उसके बाद अपने देख देते हैं इसका बॉक्स। बॉक्स में पहले एक ग्रे कलर का अलग कलर का आता था और खाकी बॉक्स का, अभी जैसे बॉक्स में यहाँ पे आपको एक वन प्लस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नोड लिखा हुआ है तो ये डिज़ाइन अभी फ़िलहाल उन्होंने नया किया है। और यहाँ पे आपको एक मॉडल पूरा नाम देखने को मिलेगा, वन प्लस नोड C3 Lite 5G फ़ोन। और यहाँ पे कुछ इस तरह का है और बॉक्स देखो आप नज़र। अब आपको मैं MRP का भी बॉक्स एक बार नज़र डलवा देता हूँ, जो इसके MRP बॉक्स में क्या होता है वो पीछे साइड लिखा हुआ सारा सारा आएगा। ये देख लो, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ आएगा, ये कलर है, कलर कौन सा है, पेस्टल लाइमो और जनरल ऑफ कॉफिनिटी मोबाइल फ़ोन है और लॉन्चिंग है 6/6/2023 को और मैन्युफैक्चरिंग लॉन्चिंग बहुत एकदम अभी का फ़िलहाल का न्यू लेटेस्ट है और 21,990 की MRP, MRP to MRP उसका रहता है, ऑल टैक्सेस है और मोबाइल फ़ोन इन वन एडेप्टर इन टाइप सी केबल इन क्यूब का वेलकम योर लेटर्स, बाकी सारे ये हैं। और इसमें 8 GB 256 GB वेरियंट लिखा हुआ, EMI नंबर कुछ आते हैं इस तरह का, सारा फीचर आपने देखे। फ़ोन बहुत जोरदार है लुक से भी डिज़ाइन से भी और फ़ोन किस तरह से आता है कैसा है अब इसके अपने बारे में, फ़ोन के बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं। जब तक मेरा आपके वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। फ़ोन देखने में कितना खूबसूरत फ़ोन है, इस फ़ोन की कोई कमी और कोई पेशी नहीं है। फिलहाल इस फ़ोन को अपने देख लेते हैं क्या क्या फीचर के साथ में ये फ़ोन आता है। उसमें एंड्रॉयड 13 है, अपडेटिंग सिस्टम आता है, जो जो नया आएगा वर्जन वो उसके अंदर अपडेट होता रहेगा और फिलहाल उसके अंदर एंड्रॉयड 13 ही है और जो लेटेस्ट में यही है। उसमें अंदर प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर आता है, 695 का उसके अंदर प्रोसेसर आता है और ये जो आपको जो रेंज है 22,000 रुपये की उसके अनुसार स्नैपड्रैगन में बहुत ज़ोरदार प्रोसेसर है और उसमें 8 GB रैम है और एक्सटर्न रैम का उसके अंदर सिस्टम है। एक्सटर्न मतलब 8 से 2, 3, 4 जो अंदर जाएंगे तो फ्यूचर में अबाउट फोन में ये दिखा देगा। और उसके जो डिस्प्ले की जो साइज़ आती है, जो ये साइज़ जिसको बोलते हैं वो साइज़ है उसकी, है वो 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले आती है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं आती उसके अंदर, IPS LCD डिस्प्ले आती है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है, वो जो साइज़ है वो 6.72 इंच की आती है और बहुत ज़ोरदार IPS LCD में, इसलिए उसके अंदर फिंगरप्रिंट है वो साइड में दे दिया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट और ऑन ऑफ दोनों स्विच साइज़ में, जो ज़्यादातर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आता है, जो डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट आ जाता है और इसके अंदर वो चीज़ नहीं है क्योंकि ये फ़ोन एक कम बजट में है, इसके हिसाब से कंपनी ने मेंटेनेंस प्राइस के साथ में उसको पूरा किया है। और उसकी जो PPI है वो 395 का आती है, जो मेगापिक्सल के काम करने का बहुत ज़ोरदार रहेगी और 120 GB की जो इसके जो डिस्प्ले की जो रेट है, स्पीड है चलने की, वो 120 GB की आएगी, बहुत ज़ोरदार रहेगी।
और उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो AGP प्रोटेक्शन के साथ में आता है, विजुअल लेंस हंच पेंस हेलियो डिस्प्ले आती है, जो डिस्प्ले उसकी वो बहुत बड़ी जोरदार आएगी। और पीछे का जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का, जो ऊपर वाला, और जो बाकी के दो है वो डिजाइन के लिए दिए, सिर्फ दो दो के ज़्यादा कोई फर्क और अच्छा नहीं रहता है। फिलहाल 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो बहुत जोरदार रहेगा, और साइड साइड में उसका फ्लैश लाइट है, और ये दो के हैं। ये कैमरा है तो सिर्फ एक डिजाइन और लुक से ही देते हैं, बाकी ज़्यादा दो में कोई फर्कबल नहीं रहता है। LED फ्लैश के साथ में, LED फ्लैश मतलब ये बाजू में दिया उसको बोलते हैं LED फ्लैश, फुल HD में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये 3 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम तो अब हर फोन में दे दिया, एकदम नॉर्मल और कॉमन हो गया, क्योंकि अभी 4K 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग आनी चालू हो गई है। बाकी फिलहाल ये भी चलो, बट जो फ़ोन के हिसाब से, जो रेंज और प्राइस के हिसाब से जो कंपनी ने जो दिया वो सही है। और जो इसमें 4K होना बहुत ज़रूरी था, और इसमें IPS LCD डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, उसमें AMOLED भी होनी चाहिए, ताकि एक OnePlus की साथ में कुछ अलग तरह का हटके रहे और बन के रहे। बाकी अभी AMOLED डिस्प्ले होती और यही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम होती और इसी प्राइस को करीबन 25 के लमसम ले जाते, ये फ़ोन और कुछ अलग तरह का होता और बिकने में बहुत बड़ी आसानी से। और जो सेल्फी कैमरा है वो 16 दिया, वो 16 नहीं होना चाहिए, वो करीबन 32 होना चाहिए, तो कंपनी और उससे भी बेटर होती, तो कुछ लुक से और डिजाइन से फ़ोन लेने में लोगों को इस बजट भी 2-3 हज़ार बढ़ जाते, तो कुछ फीचर भी बढ़ के मिलते। जैसे अब इसमें IPS LCD डिस्प्ले हुई है, अब 16 आगे का सेल्फी हुआ है, मतलब इस चीज़ों से, कई चीज़ों से थोड़ी थोड़ी ये कंपनी भी मार खा जाती है, क्योंकि जिसका जो जितना बड़ा नाम है उसके हिसाब से काम भी इतना बड़ा होना चाहिए। और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग तो होना बहुत बड़ा कंपलसरी, क्योंकि अभी फिलहाल में जितने भी फोन ले रहे हैं, वीडियो से, कैमरे से, कई सारे फीचर से देखा जाए तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फुल HD में 3 FPS में आगे भी है, और स्क्रीन फ्लैश के साथ में, और 5000mAh की बैटरी है। 5000mAh बैटरी तो कॉमन हो गई है, 5000mAh तो आप 10000 का फ़ोन भी लो, 5000 का भी लो, तो 5000mAh ही बैटरी हो गई है। और 67V का सुपर वर्क USB Type-C के साथ में, मैंने आपको पहले भी दिखाया, उसमें 18V है, और इसमें 67V कंपनी बोली सपोर्ट करेगी। बाकी कंपनी ने साथ में 18 दिया, सपोर्टेड 67 ही है, परंतु उसके अंदर ऐसा सिस्टम बना के दिया है कि आपको जो 18V भी लगाओगे तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 5G फ़ोन है, ये तो सबको भी पता है, क्योंकि अभी 2022 में तो ले रहे हो, तो 4G तो कोई लेने वाला भी नहीं है, तो ये फिलहाल 5G फ़ोन है, और 5G तो अब मार्केटों में आ भी गया है, इसके लिए ये भी 5G फ़ोन है। लुक से भी और डिजाइन से भी फ़ोन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, 20-22 हज़ार की रेंज में। OnePlus में आप देखने जा रहे हो बाकी कंपनियों से, तो कई गुना फ़ोन ये बिकने में बहुत बड़ी आसानी रहेगा, कोई भी ले भी लेगा, क्योंकि ये फ़ोन बहुत कम बजट के अंदर बहुत अच्छा है, जो 256 GB स्टोरेज का भी कोई टेंशन नहीं है, और एक्सटर्नल रैम वाला अंदर सिस्टम आ गया है तो और बेटर रह जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल रैम होती है जिसमें अंदर आप प्लस भी करके उस फ़ोन को आराम से आसानी से बेच सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे फ़ोन न्यू आएंगे, उसमें लॉन्च होगा, उसमें मैं हमेशा अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। आप सब लोग भाइयों का प्यार और स्नेह मिले, और एक बार मेरे वीडियो को अंत तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना।